Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि UPSC CSE की कौन सी बुक्स की आपको नोट्स बनाने हैं और कौन से बुक्स के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, तो इसे हम डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो. सो जस्ट गिव मी वन मिनट गाइस. सो आज का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है. सो टॉपिक इज दैट नोट्स कौन से बुक्स के बनाने हैं, ठीक है, और कौन से के आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न होती है, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स. NCERT में से कौन कौन सी NCERT के नोट्स बनाने हैं, कौन कौन से NCERT के नहीं बनाने हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, ठीक है, उसकी भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि स्टैंडर्ड बुक्स में कौन से नोट्स आपको बनाने हैं और कौन से आपको नहीं बनाने, दोनों की हम बात करेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप टॉप 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं. जस्ट यूज़ द टॉप 10 रेफरल कोड एंड यू वुड बी गेटिंग सो गुड डिस्काउंट एंड सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स. लेट मी टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. सो यस, अगर आप ये टॉप 10 का कोड यूज़ करते हैं तो इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको 5000 पेजेस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपको डेली स्टडी प्लान, रिवीजन ट्रैकर, पर्सनलाइज मेंटरशिप कॉल एंड व्हाट्सएप पे, और UPSC CSE की सभी स्टैंडर्ड बुक्स का PDF, एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा सारे कोचिंग का मटेरियल. ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको अगर आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए. बाकी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई जानकारी चाहिए. बाकी की डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. अनलिमिटेड एक्सेस है, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो पूरा का पूरा आपका जितना भी UPSC का सिलेबस है वो सारा कवर होगा, ठीक है. तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे NCERT बुक्स की. तो हमारे पास कौन कौन सी NCERT बुक्स हैं जो आपने पढ़नी है. आपको पढ़नी है हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड साइंस की बायोलॉजी, ठीक है. अब हिस्ट्री में आपके पास 6 to 12 NCERTs होती है, इसमें आपको सिर्फ 11th क्लास की ओल्ड NCERT के नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपकी RS शर्मा, सतीश चंद्रा, ये सब किताबें आ जाती हैं, एंड 12th क्लास की न्यू NCERT के नोट्स बनाने हैं, ठीक है. पॉलिटी में भी आपको सिर्फ 11th एंड 12th क्लास के न्यू वाली NCERT के नोट्स बनाने हैं. ज्योग्राफी में आपको 6 to 12 सब के नोट्स बनाने हैं ऑल, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 11th क्लास के नोट्स बनाने हैं. इस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके आपको नोट्स बनाने हैं. ये न्यू NCERT है, ठीक है. दिस इज़ न्यू NCERT, यहाँ पे भी न्यू NCERT रहेगी, ये भी न्यू NCERT है. बायोलॉजी में केवल क्लास 12th के जो लास्ट के 6 चैप्टर्स हैं, ओनली लास्ट 6 चैप्टर्स, उसके आपको नोट्स बनाने हैं, और किसी के नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. जो यहाँ पे मैंने आपको NCERT बताई, बस वही NCERT आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू NCERT पढ़नी है, और आपको कोई ओल्ड NCERT नहीं खरीदनी. सिर्फ आपको जो हिस्ट्री की है ना, ओल्ड NCERT खरीदनी है. ये एक एक्सेप्शन है. व्हाई दिस इज एक्सेप्शन? बिकॉज हिस्ट्री की जो 11th की ओल्ड NCERT है, उसमें आपकी 3 किताबें आती है. एक आती है आपकी RS शर्मा, एक आती है आपकी सतीश चंद्रा, और एक आती है आपकी बिपिन चंद्रा. तो ये 3 आपको पढ़नी है. न्यू NCERT आपको इसकी नहीं पढ़नी, क्योंकि क्लास 11th की जो न्यू NCERT है, उसका जो सिलेबस है उसमें यूरोपियन हिस्ट्री दी हुई है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस. सो RS शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये तीनों या तो आप ओल्ड NCERT से किताबें खरीद लें,
या आप जो अमेज़न पे दूसरे पब्लिकेशन की, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की भी मिलती है, वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइटर सेम है, कंटेंट सेम है, नेवो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नो मैटर वॉट, जस्ट रीड दीज थ्री राइटर्स, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की, कि स्टैंडर्ड बुक्स में कौन कौन से बुक्स के नोट्स बनाने हैं, कौन कौन से आपके नोट्स नहीं बनाने। पहले तो बात करते हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। पहले हम लिस्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि उसमें से आपको कौन सा वाला जो है उसमें से पढ़ना है और कौन सा आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो यस, लेट मी चेंज द कलर। तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। नंबर वन, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। मैंने आपको हिस्ट्री का तो वैसे बता ही दिया है, एनसीईआरटी में ये जो तीन किताबें हैं, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा, ये तो तीनों पढ़नी ही है। लेकिन एनसीईआरटी के बाद क्या पढ़नी है मैं उसकी बात करूंगी अब। तो एनसीईआरटी के अलावा आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की जो बुक होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। सेकेंड इज, ये भी हिस्ट्री के लिए होती है, नितिन सिंघानिया। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर की बुक होती है। थर्ड नंबर पे जो आपकी अगली किताब आ रही है वो आपकी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, जो सिर्फ मेंस में आती है। ये प्रीलिम्स में ये बुक का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मेंस में आती है। ये है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये आपको इसमें जो कंटेंट पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसके राइटर का क्या नाम है, अर्जुन देव। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में आपकी आ जाती है लक्ष्मीकांत, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं आपकी इकोनॉमिक्स क्या आता है, तो इकोनॉमिक्स का जो आपका श्रीराम आईएएस का मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, श्रीराम आईएएस मटेरियल आता है, बहुत बढ़िया रहता है ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाती है ज्योग्राफी, इसमें आपको पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री जो माजिद हुसैन की आती है। इसके अलावा एक और बुक होती है जो है जी सी लियोंग, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, एंड एक और बुक होती है शंकर आईएएस की, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। अब इसमें से नोट्स किसके किसके नहीं बनाने हैं। स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत के कोई नोट्स नहीं बनेंगे, जी सी लियोंग के कोई नोट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तीनों बुक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हैं, ठीक है। इन तीनों के नोट्स आपने नहीं बनाने हैं, ये तीनों बुक आपको कंप्लीट पढ़नी है, फुल बुक अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करनी है, फुल बुक, ठीक है। अब जिस जिसके नोट्स बनेंगे वो बता देती हूँ, और कैसे बनेंगे वो भी बता देती हूँ। मैं ब्लू कलर से मार्क करती हूँ जिस जिसके आपको नोट्स बनाने। नितिन सिंघानी आपको आपको नोट्स बनाने, क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट आता है, ये बहुत ही फैक्चुअल बुक है। इसके साथ आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज हिस्ट्री की होनी चाहिए, तो इसको आप फ्लो चार्ट के रूप में इसके नोट्स बना सकते हैं, क्विक रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। ये जो बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, इसके भी आपको नोट्स बनाने, क्योंकि इसका बहुत लिमिटेड कंटेंट आता है और ये सिर्फ आपकी मेंस में आती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी के बाद का जो भी हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कि टॉपिक में है। लक्ष्मीकांत के नोट्स इसलिए नहीं बनाने क्योंकि लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो ऑलरेडी बहुत प्रिसाइज है, ऑलरेडी इसका कंटेंट काफ़ी सुलझा हुआ है, इसकी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी श्रीराम आईएएस मटेरियल के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वाई, बिकॉज इसके अंदर भी एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत दिया हुआ है इस बुक में, सिलेबस के अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट करना ज़रूरी है। माजिद हुसैन के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट दे दिया हुआ है। जी सी लियोंग के बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट बुक है, प्रिसाइज है, तो इसके नोट्स नहीं बनाएंगे।
शंकर राइस एनवायरनमेंट के नोट्स बनाएंगे क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट है। ठीक है, तो आपने किस किस के नोट्स बनाने हैं? पक्का आपको बनाने हैं नितिन सिंघानिया के नोट्स, आपको बनाने हैं अर्जुन देव के नोट्स, आपको बनाने हैं श्री राम आई एस मटीरियल का नोट्स, माजिद हुसैन का नोट्स एंड शंकर आई एस एनवायरनमेंट के नोट्स आपको बनाने हैं। बस ये वो बुक्स हैं जिसके आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन बुक्स के अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो काफ़ी है, बाकी सारी किताबें आपको पूरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। और कोई अगर आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पुट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आई टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब नोट्स बनाना कैसे, नोट्स को बनाने का तरीका होता है, पहली बात कि आपको हमेशा नोट्स थर्ड रीडिंग में बनाने हैं जब आप बुक को तीसरी बार पढ़ेंगे। सेकेंड इज, जब भी आप बुक को पढ़ रहे हैं नोट्स बना रहे हैं तो फ्लो चार्ट्स में बनाएंगे, पैराग्राफ में नहीं बनाएंगे। फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं एक और दूसरा वीडियो बना दूंगी। तीसरा है कि नोट्स बनाने से पहले उस वीडियो का लेक्चर आप सुन सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं तो लेक्चर काफ़ी अच्छे से सुन सकते हैं, अगर आप प्लस पे नहीं है तो यूट्यूब पे भी वीडियोस रहती हैं, तो लेक्चर वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, ये है आपका नोट्स बनाने का तरीका। अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि करेंट अफेयर का क्या करें, क्योंकि करेंट अफेयर के भी नोट्स बनाने होते हैं, तो करेंट अफेयर के नोट्स का समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को कि क्या करें। पहली चीज़ है कि आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी कवर नहीं करेंगे तो आपको द हिंदू समझ नहीं आएगी। और अगर आप एक न्यू लर्नर हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, तो आप नोट्स मत बनाओ क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा, हर चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगेगी। आप इसके लिए मंथली मैगजीन्स ले सकते हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि आप विजन आईएएस का मंथली मैगज़ीन ले लो, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। मंथली मैगज़ीन ले सकते हो, उसके ऊपर आप पूरा रिलाई कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, उस पर आप रिलाई कर सकते हो, मंथली मैगज़ीन पढ़ लो। या अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं और पढ़ते हुए आपको आइडिया हो गया, मतलब आप लगभग 2-3 महीनों से द हिंदू पढ़ रहे हो और अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या सही है क्या गलत है, आप सिलेबस से इंटर रिलेट कर लेते हो टॉपिक्स को, तो आप फिर उस टॉपिक वाइज नोट्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आपको जीएस पेपर के हिसाब से नोट्स बनाने हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। सबका अपना अपना अलग अलग आपको स्पाइरल मेंटेन करना है, अलग अलग स्पाइरल रखेंगे, मतलब नोटबुक रहनी चाहिए, स्पाइरल आपकी ब्लैंक शीट वाली होनी चाहिए जिसपे कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होती है, वैसी वाली स्पाइरल होनी चाहिए। और उस पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने, जैसे कि आपने मान लो कि पढ़ लिया कुछ, ठीक है, आपने मान लो कि कोई चीज़ पढ़ी है, हिस्ट्री की चीज़ पढ़ी है, तो हिस्ट्री आपका आएगा जीएस पेपर 1, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड कुछ भी आपने पढ़ा तो जीएस पेपर 1 में आएगा, तो आप जीएस पेपर 1 के स्पाइरल में उसको लिखोगे। जब भी नोट्स बनाना है तो पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी, कभी भी पैराग्राफ्स में नोट्स नहीं बनने हैं, पैराग्राफ्स को जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि पैराग्राफ्स में लिखने लगोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बल्की नोट्स बनते जा रहे हैं। बहुत ही प्रेसाइज रहना है, थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं, एक्सपीरियंस लेना है, पहले आइडियाज़ लो, कुछ नोट्स को देखो कि नोट्स कैसे बनाए हुए हैं, एंड देन कुछ सैम्पल्स पढ़ने के बाद, कुछ मैगजीन्स पढ़ने के बाद, जब आपको पूरा एक्सपीरियंस और आइडिया हो जाए तभी आप नोट्स बनाएंगे। और कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं उस डाउट के ऊपर अगला वीडियो बना दूंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।